आगे पीछे हो जा फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कमेंट्स दे दो। कमेंट्स नाज़रीन, सोहेल भाई, सोहेल आप्दी भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल्चर विंग से इनका ताल्लुक है। बहुत ही सीनियर और महान इंसान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, फनकारों से फन से मोहब्बत करते हैं। उमर शरीफ भाई के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, अपने लजीज साथी हैं। सोहेल भाई, आपके क्या तासरात हैं आज के हवाले से? उमर शरीफ जो है मतलब एक ऐसी शख्सियत थी कि हर मकतब फिक्र का शख्स उसे चाहता था, उसे जानता था। ना सिर्फ वो कराची की, सिंध की और बल्कि पाकिस्तान की पहचान थे। एक एम्बेसडर की हैसियत रखते थे। वो पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते थे वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते थे। और कॉमेडी उनकी जितनी खूबसूरत कॉमेडी होती थी, मेरे ख्याल में लहरी साहब के बाद अगर किसी को देखा गया तो उमर शरीफ, और उमर शरीफ किंग ऑफ कॉमेडी बन गए थे। और आज इनके जनाजे में और अब तस्वीर का मौका है। मेरे ख्याल में कि हर सियासी पार्टी के हर मतलब कि सोशल सेक्टर का हर शख्स यहाँ पे मौजूद है। एक झलक देखा जा रहा था, लेकिन झलक देखने की तो ऐसा कुछ नहीं था। तो आज आपका यहाँ आना, इसको कवर करना, मैं ये समझता हूँ कि वाकई ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत है उमर शरीफ की और फन की। और उमर शरीफ कोई शानी नहीं था उनका। और मैं चाहूँगा तला इधर आओ, अमजद साबरी शहीद का भाई तला साबरी, इसके भी यूज़ ले आओ। तला भाई अस्सलाम वालेकुम। तला भाई कैसे आप? खैर से? आज हमारे मुल्क पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, पूरी पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया सोमवार है उमर भाई की वजह से। आपके क्या तासरात हैं? जी बिल्कुल, उमर भाई भी अब हमें छोड़ के चले गए। बहुत दिली अफसोस है उमर भाई के जाने का। और सब लोगों से मेरी गुजारिश है उनकी मकसद के लिए दुआ करें, और एक बार अलम शरीफ, तीन बार कुल शरीफ पढ़ के उनको बसें, और अल्लाह ताला ने करवट करवट के उन्हें आमीन आमीन। बड़ी मेहरबानी शहजाद भाई, आप कैसे हैं? बहुत अफसोस हुआ। उमर शरीफ भाई हमारे थे, बहुत अच्छे नाम था उनका और बहुत ही अच्छे आदमी थे, इंसान से मोहब्बत करने वाले। और सब और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और इनके घर वालों को सबर अता फरमाए, और जितने भी चाहने वाले इन सबको अल्लाह पाक सबर अता फरमाए। इस वक्त नाज़रीन हम हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर अहाते में। इस वक्त हमारे साथ ये सिंध फनकार वेलफेयर ट्रस्ट लियारी के प्रेसिडेंट है साले अपना महबूब सरवर इंगोर साहब। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज हम पूरा पाकिस्तान सोगवार है, आज आपकी क्या कैफियत थी? हमारे पास वो अल्फाज नहीं कि हम उमर भाई के बारे में कुछ कह सकें। हमें बल्कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सदमा पहुंचा है कि कॉमेडी का एक बादशाह जो है वो हमसे जुदा हो गया। वो हमारा साथी था और हम उनकी दिल की कदर करते हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगा था। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज वाकई सोगवार सा दिन है पूरी दुनिया के लिए, और कॉमेडी की दुनिया का एक किंग चांद था जो आसमान पर चमकता था, जिसकी वजह से रंग रोशनियाँ, मोहब्बतें और प्यार छलकता था। इस वक्त हमारे दरमियान एक और दोस्त यहाँ मौजूद है, मंसूर चूड़ी वाला। इनको आपने अक्सर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। ये मंसूर चूड़ी वाला हमारे साथ है। ये आप नाज़रीन इस वक्त लाइव देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ मीडिया जो मौजूद है पाकिस्तान का, तमाम किंग मीडिया इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हमारा किंग जो इस दुनिया में नहीं रहा। मंसूर भाई, आप आज के मौके पर क्या कहेंगे? भाई उमर भाई जब से होश संभाला है पूरी पाकिस्तान क्या, कराची क्या, पूरी दुनिया को हंसाते हैं। तेरों ने मुल्क भी दुनिया को हंसाते रहे हैं वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हमारे तो बिल्कुल फेवरेट थे उमर भाई, ये हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और उमर भाई जिंदाबाद, बस इतना ही। थैंक यू थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। वहाँ से मेरे पहले चाहिए सारे आओ आओ
वहाँ जाने का फायदा है, एक मिनट ठहरो ना। हाँ वहाँ शरण भाई रांची जाना, रांची जाना है।